किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर। आज मैं अपने अनुभवों की बात करूँगा जो मैंने फील्ड में अनुभव लिया है। तो किसान भाई, मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से हमारा पशु प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद बीमार पड़ जाता है। तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात कि ब्याने वाले पशु को शांत वातावरण में समतल जगह पे और सॉफ्ट जगह पे बांधें, जहाँ पे ठोस जगह नहीं होनी चाहिए। और पशु का प्रसव होने के बाद उसके नीचे मेट, दरी या फिर पट्टी का उपयोग करें, ताकि बच्चे के लगी ज़्यादा मिट्टी पशु ना चाट पाए और बच्चे का नाड़ा डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में ना आए, क्योंकि नाड़े का और मिट्टी का संपर्क होने से टिटनस होने का खतरा रहता है। और आप लाल दवा का थोड़ा सा घोल बना के बच्चे के नाड़े पे जरूर लगा दें। और दूसरी बात है, हमें ज़्यादा मात्रा में गुड़ उबाल के नहीं देना चाहिए। गुड़ है, गूगरी है, दाने हैं, या फिर अनाज को उबाल कर ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है, दलिया ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है, जिसकी वजह से पशु के पेट की पीएच गड़बड़ा जाती है और पशु बीमार पड़ जाता है। नवजात शिशु के आप गुड़ की थोड़ी सी लेटी बना लें और उसको मुंह में तालवे के अंदर चिपका दें, ताकि बच्चे को भूख जल्दी लगे और दूध पीना ना भूले। और किसान भाइयों, जेर के लिए हमें सबसे सुरक्षित काम है, आधा किलो खड़ लें, पाव भर गुड़ लें और दोनों को कूट पीट के मिक्स करके छोटे टुकड़े करके और पशु के सामने सुक्का ही रख दें सीधा, और उसको खाने दें, ताकि एनर्जी लेवल भी उसका अच्छा रहेगा और जहर भी बहुत जल्दी रिलीज होगी। इसके अलावा आप बच्चे को दूध पिला दें। बच्चे के दूध पीने से पशु के ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित होता है और जहर बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है। और माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी और गुणकारी प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है। तो ये हमें छोटी छोटी बातों पर इन पर ध्यान देना चाहिए। इसके ध्यान देने से हमें पशु को बहुत बड़ी दुविधा से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रत्येक किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अब मिलेंगे एक प्यारे से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम किसान भाइयों।